हम हमारे दीदी वहाँ पे उनके पास काम करते थे, मधु यादव के पास। तो वो डेली पी के आके हमारे दीदी सताता था नाइट में। तो सताए तो उस दिन बहुत पी के आए। पी के आके हमारे दीदी को ऊपर बुलाए थे। ऊपर बुलाए तो हमारे दीदी के साथ हम भी गए। गए तो आपको कुछ भी काम नहीं है, आप जाकर सो जाओ, बोल के बोले। ठीक है, बोल के हम आके सो गए। फिर उठते तो नहीं थे। 4 बजे जाके देखे थे। 4 बजे जाके देखे तो वो इस रूम में हमारे दीदी फांसी डाल के रखे फैन को वहाँ पे। तो फिर जाके मधु यादव को उठाए थे। उठाए तो हमारे दीदी का ऐसे हो रहा था, हमारे नए मालूम बोल के बोले। तो ऊपर आके देख के पुलिस वालों को फ़ोन करे करे वैसे उन लोग आते बोले। उसके बाद मैं बोले सर का बोलना झूठे बातें, नहीं तो आपकी फैमिली परेशान होती, मार देते बोल के बोले। आपके दीदी पेट कौन में बोले दर्द, मार देते बोल के मधु मत। यादव बोल के बोले। तो आपके दीदी पेट में दर्द हुआ 1-12 बजे, किसको भी नहीं बोले। 2 बार वॉशरूम को गए, 3 बार नहीं उठाया आपको, जाके ऐसा डाल लिए बोल के बोलो, बोल के बोले मधु यादव आपकी बोले। बहन को पेट में दर्द कितने दिन से था? नहीं था उनके पेट में दर्द, वैसा बोलो बोल के बोले मधु पेट में यादव, दर्द नहीं था उनके। नहीं था। मधु यादव वैसा बोले कि पेट में दर्द है, बोलना पुलिस के सामने। हाँ वैसा बोलो बोल के बोले पुलिस मधु। कितनी देर में आई? उन लोग थोड़ी देर से आए नहीं, बोला आप बॉडी को, वैसे आप वो लड़की भी तुम्हारी दीदी को कब देखे, कितने बजे देखे? सुबह में? 4 बजे देखे, फिर पुलिस वाले घर को कब आए? जब देर भी से। थोड़ी देर के बाद आए। और 10:30 लिखा हुआ है उसमें FIR में, पुलिस वाले 10:30 बजे बॉडी निकालने के लिए हम पहुंचे बोले। नहीं, 6 बजे उतारे उनको। तो पुलिस वाले 6 बजे आ गए पुलिस वाले थे, उतारे छह बजे पुलिस वाले घर को आ गए थे, आ गए थे। मगर FIR में जो है 10:30 बजे का पुलिस लिखा। पुलिस लिख रही है। हाँ वैसा बोलो, कौन भी नहीं थे वहाँ पे नहीं। हाँ वैसा बोलना बोल आपके के बोले। घर वाले हो या कोई भी नहीं थे होटल वहाँ पे? में नहीं थे, फोन भी नहीं करे हमारे फोन घर वाले। डायल इनवेट करे आप? नहीं नहीं डायल इन्होंने इनवेट करे आप? हमारे के नहीं है तो फोन फोन इन्होंने नहीं करे फोन, मधु यादव पुलिस को फोन करके बुलाया। मधु यादव अच्छा ये बोलो आपको क्या डाउट है, अब ये जो आपकी बहन का मर्डर हुआ उन्होंने ही करे, मधु यादव ही, मधु यादव करे बोल के आप हुकूमत से पुलिस से क्या डिमांड कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए हमारे, दीदी कैसा हो उनको भी वैसे ही चाहिए। आपको कोई धमकी वगैरह दी है? उसी ने दिए फिर नहीं। कौन दिए? मधु यादव। क्या बोल के धमकी दी आपको? आपके फैमिली को मार देते, मैं बोले सर का बोलना बोल के बोले। आप लोगों को मार देते? हाँ हमारे फैमिली को। DRS लीडर है बोल के मालूम है आपको? हमारे नहीं मालूम। नहीं उन्होंने पीला पट्टा, वो पिंक पट्टा डाल लेके, गुलाबी पट्टा डाल लेके जाते आते घर में तो नहीं डाले, तो बाहर क्या है क्यों नहीं देखते? आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले कब आए? वो इतना डरा दिए थे सुबह जब पूरे आगे गांव के सरपंच साहब जो जीते भी लोग हैं पूरे मोइनाबाद के लोकल, ये लोग मुकामी लोकल है लोग। जब आके ये बच्ची को बाहर बुला रहे तो बच्ची नहीं आ रही थी, इतना डरा दिए थे मधु यादव बच्ची को। तो फिर बाद में खुद अंदर घुस के दरवाजा ढकल के करके निकाल के बच्ची को लेके आके सलमान जब पूछे करे तो जब बोले कितने बजे मधु यादव के पास वहाँ पे 8 बजे मालूम हुआ पूरे, यहाँ तक के सरपंच को भी नहीं मालूम था। अब गांव में कोई भी चीज हुई तो पहले सरपंच को आगे रखते हैं, अब वहाँ पे पुलिस वाले ना सरपंच को बुलाए कुछ भी नहीं, मधु यादव फोन कर लिया लोगाई डेड बॉडी को लेके चले गए, सब लोगाइज कर ली। बाद में जब सरपंच को मालूम हुआ, जब सबको बस्सी में मालूम हुआ, जब जाके देखे तो कुछ भी नहीं है वहाँ। 10:30 बजे पुलिस लिख रही है आफरीन की रिपोर्ट, 10:30 बजे पुलिस कंप्लेन जो है सो पुलिस को कंप्लेन 10:30 बजे मिला, जबकि पुलिस पहुंची बच्ची के बयान के मुताबिक पुलिस सुबह 4 बजे के बाद 4:30 बजे के बाद पुलिस पहुंची। और दूसरी चीज उमर का बड़ा वेरिएशन, पुलिस के FIR में 18 इयर्स लिखा गया, पुलिस के प्रेस नोट में 20 इयर्स लिखा गया। ये भाई मौजूद है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1995, ये सलमान है, ये बच्ची का बड़ा भाई है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1995 है एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड मधु यादव के पास ही, ये बच्चियों का आधार कार्ड भी बोल समझिए रख लिया है, उनकी फैमिली आधार कार्ड भी नहीं दी। ये बच्चा जो है सो 25 साल का है, इनकी फुप्पी का बयान ये है कि जो बच्ची मरहुमा है उनकी बेटी के साथ वो बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची की उम्र 22 साल है, क्योंकि उनकी बेटी की उम्र भी 22 साल है और ये बच्चे के पैदा होने के 3.5